चाहिए। तो देख सकते हो कितना प्यारा आम है। मेरा विचार है इस साल बारिश में मैं ऐसे आम लगाऊंगा। देखो ये गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में फिर से। और शुक्र करता बहुत अच्छे होंगे आप लोग आपके परिवार के साथ, और मैं भी मेरे परिवार के साथ काफ़ी खुश हूं। और अभी दोपहर की 12:30 बज रही है और हमारे घर में गेहूं का आटा ख़त्म हो चुका है। और मक्की तो कल प्रीति की मम्मी लाई थी गाँव में से खरीद के 10 किलो, तो वो तो साफ थोड़ी बहुत है और थोड़ी बहुत साफ और करनी पड़ेगी। तो आटा पिसवाने के लिए यहाँ पर देख लो गेहूँ साफ कर रही है मनीषा ये, और इधर निधि कर रही है, दोनों मिलकर गेहूँ साफ कर रहे हैं क्योंकि आटा पिसवाने के लिए जाना पड़ेगा मार्केट में। आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गेहूँ का भी, और मक्की तो हम खाते नहीं हैं, बट प्रीति की मम्मी बोलती मैं मकई की रोटी खाऊंगी, तो मकई भी लेके आई है। तो मकई भी पिसवाने ले जाएंगे और गेहूँ भी पिसवाने ले जाएंगे। तो अभी साफ कर देंगे फिर शाम पड़े जाएंगे 4 बजे पिसवाने के लिए। तो मक्की की रोटी किस तरह बनती है और कैसी लगती है आप लोगों को शाम को बताऊंगा। और आप लोगों को पता ही होगा कल मनीषा ने चूल्हा बनाया घर से बाहर, तो मक्की की रोटी वहाँ पर बनाएंगे चूल्हे के ऊपर और गेहूँ की गैस के ऊपर। तो अभी दहना कर रहे हैं, दहना कर दे इसके बाद लेके चलता हूँ पिसवाने के लिए। तो दहना कर रही है कपड़े से गेहूँ साफ कर रहे हैं, और इधर निधि छाइने से साफ कर रही है, छोटे छोटे गेहूँ निकाल रही है और कंकर निकाल रही है। इतने गेहूँ है इतने पिसवाने के लिए ले जाना है, अभी देना हो जाए इसके बाद। तो दोस्तों ये है मकई, तो ये मकई को भी पिसवाएंगे और गेहूँ को भी पिसवाएंगे। तो दोस्तों सुबह मॉर्निंग में हम गेहूं की रोटी खाएंगे और शाम को मक्की की खाएंगे, तो इसलिए मक्की भी पिसवाएंगे और गेहूं भी पिसवाएंगे। तो अभी दहना हो जाए इसके बाद मैं लेके जाऊंगा चक्की पे पिसवा के लेके आऊंगा। हमारी खुरली यहां पर सोई है देख सकते हो, ये यहां पर पंखा चल रहा है। दोस्तों गेहूं यहां पर साफ कर दी है देख सकते हो ये, और थैली में भर भी दिए हैं। और यहाँ पर मनीषा आप मक्की साफ कर रही है देख सकते हो ये। तो दोस्तों फाइनली प्रीति की मम्मी ने गेहूँ साफ कर दिए और मकई भी साफ कर दी, और थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगा पिसवाने के लिए मार्केट में। और अभी हमारी काकी गई थी मार्केट में, तो मनीषा ने आम मंगवाए थे इनके पास से, तो देख लो आम खा रही है मनीषा। प्रीति परी और पूर्वी तीनों सोई है और मनीषा अकेली जग रही है और मैं जग रहा हूँ, तो हम खा रहे हैं आम। बच्चे सोए हैं देख लो, बड़े बड़े आम है कल भी। कितने के मंगाए? 100 रुपए की 2 किलो देख लो, ढेर सारे ये। इतनी तो हमारे से खवाएगी भी नहीं, 2 दिन तक चलेगी ये 2 किलो। तो चलो खाते हैं, और आपको खाना हो तो आप भी खा लो। तो देख सकते हो कितना प्यारा आम है। अभी हमारे गांव में आम पके नहीं, क्योंकि एक बारिश गिरेगा तब हमारे गांव में आम पकेगा। तो पकने के बाद फिर खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे गांव में भी काफ़ी सारे आंबे हैं। तो मेरा विचार है इस साल बारिश में मैं ऐसे आम लगाऊंगा, क्योंकि हम तो नहीं खा पाएंगे, या खा भी पाएंगे हमारी प्रीति परी पूर्वी खाएंगे घूम घूम के, तो हम भी हमारे घर के आसपास लगाएंगे। ये हो जाएगी और ऊपर सब चले जाएगा। हम ऐसे आम लगाएंगे इस साल बारिश में, बताएंगे आप लोगों को। तो चलो अभी तो खा लेते हैं आम, और हमारी प्रीति भी जग चुकी है। प्रीति निकाल ली, अच्छा देख लो अभी 2 और सोए हैं। तो चलो खाते हैं आम। तो देख सकते हो यहाँ पर प्रीति ने खाना चालू कर दिया है आम, और यहाँ पर मनीषा खा रही है। कैसे खा रही देखो ये। तो यहाँ पर हमारी परी भी जग चुकी है देख लो, प्रीति भी जग चुकी है, अब सिर्फ पूर्वी सोई है अकेली, सब जग चुके हैं तो आम खा रहे हैं। चलो खाते हैं।
मजा आ गया दोस्तों। इस साल हमने आम ज़्यादा नहीं खाया, अगले साल बहुत आम खाए हमने। मार्केट में रहते थे तो इस साल गांव में आ गए तो बहुत कम आम खाए हमने। प्रीति क्या खा रही, क्या है ये? परी क्या खा रही? देख सकते हो सब आम खा रहे हैं। तो दोस्तों हम सोच रहे थे 2 किलो आम हमारे से निक खवाएगा, पूरे खा गए, सिर्फ 2 ही आम बचाए। देख लो ये सिर्फ 2 आम बचाए, पूरे के पूरे आम खा गए हम चारों मिलके। मजा आ गया खाने में यार। अभी प्रीति और परी खाएगी, कल 2 आम बचाए वो। देख सकते हो इनको हम बारिश में लगाएंगे, जहाँ हमारा घर बनेगा वहाँ साइड साइड में। और पहले भी हम लाए थे आम, इनके भी गुठली बचा के रखी है हमने, तो इसमें से ज़्यादा नहीं बन 2-4 आम भी बड़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे। पूर्वी खाएगी, परी खाएगी, फिर प्रीति खाएगी, सब खाएंगे, इसलिए हम लगाएंगे इसको अभी बारिश में, है ना प्रीति? तुम बड़े होके खाओगे ना आम, बड़े हो जाओगे तब। तो दोस्तों फाइनली मैंने गाड़ी के ऊपर गेहूं और मकई 5 किलो साइड में लटका दी है, तो चलो पिसवा के लाते हैं। 36 आलू हो तो अभी पिसवा के लाएंगे, नहीं तो रख के आ जाऊंगा, फिर थोड़ी देर के बाद जाऊंगा लेने के लिए, 1-1.5 घंटे के बाद। तो देखते हैं 36 आलू है या बंद है अभी। दोस्तों सबकी तो चल रही है, देख सकते हो मेरे पीछे, और मकई और गेहूं मैंने दोनों रख दिए हैं अंदर। तो 15-20 मिनट लगेगी, आटा पीस देंगे फिर लेके चलते हैं। वहां पर रख दिए हैं मैंने मक्की और गेहूं दोनों। तो दोस्तों फाइनली मैं आटा पिसवा के ले आया हूं और घर में रख भी दिया है, और गीता लगा भी है झाड़ू। और आज मक्की की रोटी बनने वाली है, तो मक्की की रोटी आज बाहर चूल्हे के ऊपर बनेगी, तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो मैं गेहूं का आटा और मक्की का दोनों पिसवा के ले आया हूं। लाइट थी तो सक्की भी चालू थी, तो तुरंत पिसवा के लेके आ गया हूं मैं। तो अब खाना बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पर देख लो प्रीति की मम्मी लकड़ी भी मतलब तोड़ रही है, ला के रखी थी इसमें से तोड़ रही है रोटी बनाने के लिए, देख सकते हो ये। पर परी भी आई है इसकी मम्मी के पास लकड़ी तोड़ने के लिए, और इधर प्रीति है काटे में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो लकड़ी ला ला के रख रहे हैं, ये चूल्हा जलाने वाले हैं, और इस चूल्हे में आज रोटी बनने वाली है। तो दोस्तों दिन ढलने वाला है और अब यहाँ पर खाना बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इधर मनीषा झाड़ू लगा रही है देख सकते हो, और हमारी परी इधर सोई है ये पूर्वी की झोली में, और लकड़ी यहाँ पर ला के रख दी है, और इधर मनीषा ने झाड़ू भी लगा दिया है। प्रीति भी ला रही है लकड़ी बिन बिन के। आज मक्की की रोटी खाएंगे बहुत दिनों के बाद, है ना? मैं गेहूं का खाऊंगा। गेहूं की खाएगी तो मम्मी अकेली खाएगी मक्की की रोटी, क्यों? तो दोस्तों फाइनली मनीषा ने देख सकते हो आग जला दी है और कलेड़ी भी रख दी है मक्की की रोटी बनाने के लिए, और दिन भी ढल चुका है देख सकते हो। अब अंधेरा होने वाला है और जल्दी जल्दी मक्की की रोटी बना लेगी, इसके बाद सब्जी बनाएगी। तो सब्जी अभी लाई नहीं, मार्केट जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो मैं जाऊंगा अभी मार्केट में सब्जी लेने के लिए, कुछ कुछ लाऊंगा।
अभी तो फिलहाल में मार्केट में क्या दिखता, गुवार फूली, भिंडी, बैंगन और प्याज और आलू, बस यही दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरी सब्जी ही नहीं मिलती। तो देखता हूँ क्या पसंद आता है, जो भी अच्छा रहेगा वो लेके आऊँगा। तब तक मनीषा बना देगी मक्की की रोटी। देख लो आटा भी ले आई है रोटी बनाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली मक्की का आटा निकाल दिया है मनीषा ने और आग भी जला दी है, कलेड़ी भी रख दी है, बस अब रोटी बनाने की तैयारी है। तो दोस्तों यहाँ पर रोटी बनाने के लिए आटा बांध रही है मनीषा, देख सकते हो ये। तो दोस्तों हवा बहुत तेज चल रही है, देख सकते हो इधर पल्ली लगा दी है फिर भी हवा आ रही है बहुत तेज। तो दोस्तों रोटी बनाने के लिए मक्की के आटे को काफ़ी ज़्यादा मतलब गूंदना पड़ता है, मतलब बांधना पड़ता है इस तरह, देख लो, तब जाके मक्की की रोटी बनती है। बहुत मसलना पड़ता है इसको तब जाके रोटी बनती है। और एक रोटी मतलब एक साथ अपन नहीं आटा बांध सकते हैं, मतलब एक रोटी बनाने के लिए जितना मतलब आटा बांधना पड़ता है और दूसरा इधर सूखा हुआ रहता आटा, देख सकते हो ये। एक रोटी का ही आटा भिगाना पड़ता और एक ही रोटी का आटा भिगा के और गूंदना पड़ता, गूंद के और बनाना पड़ता, देख सकते हो। दोस्तों किस तरह रोटी तैयार हो रही है ये। धुआं भी बहुत तेज हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली रोटी डाल दी है कलेड़ी में, देखते हो ये सफ़ेद सफ़ेद एकदम दूध जैसी रोटी में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाए नहीं तो वो ऐसी कड़वी लगती रोटी। तो फाइनली अपनी रोटी एक तैयार हो चुकी है ये, देख सकते हो ये। तो देख लिया आप लोगों ने मक्की की रोटी बनाने का प्रोसेसिंग पूरा, किस तरह रोटी बनाई जाती है, मतलब एक रोटी बनाने के लिए जितना आटा चाहिए इतना ही आटा भिगाना पड़ता है और बांधना पड़ता है, बांध के फिर काफ़ी अच्छी तरह से फिर रोटी बनाई जाती है। ऐसे तो एक साथ भी आटा मिलाया जाता है बट इसके लिए पानी गर्म करना पड़ता फिर इसके बाद रोटी बनाने की, बट यहाँ ठंडे पानी से बना रही मनीषा तो जितना मतलब एक रोटी में आटा चाहिए इतना ही आटा भिगाएगी और रोटी बनाएगी। और अभी कलेड़ी गर्म नहीं है इस वजह से टाइम ले रहा ज़्यादा सेकने में, वरना थोड़ी देर ही लगती सेकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक रोटी तो बना दी है ये, देख सकते हो कितनी मस्त मज़ा आ जाता मसल के खाने में।
तो अभी बनाएगी, तो मैं जाऊंगा मार्केट में साग सब्जी लेने के लिए। तो फ्रेंड फाइनली रोटी बन चुकी है और हमारी पूर्वी भी जग चुकी है, तो पूर्वी रो रही है और रोटी भी बन चुकी है। बस अब मैं मार्केट जा रहा हूँ साग सब्जी लेने के लिए। तो पूर्वी को अभी झोली में रख देता हूँ, फिर इसकी मम्मी दूध पिला देगी, तब तक मैं मार्केट में जाके साग सब्जी ले आऊँगा। देख सकते हो ये लास्ट रोटी है, आटा भी ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड फाइनली मैं मार्केट में घूम कर आ गया हूँ और साग सब्जी भी ले आया हूँ। और यहाँ पर प्रीति की मम्मी तैयारी कर रही है साग सब्जी बनाने के लिए और अंधेरा भी हो चुका है। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को टाटा बाय बाय।